हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बट आप कौन? मैम, मैं बैंक से आया हूँ आपके अकाउंट का केवाईसी करवाने के लिए। पर मेरी केवाईसी तो हो चुकी है। मैम, सिस्टम दोबारा से अपडेट हुआ है जिसकी वजह से आपको दोबारा से केवाईसी करवानी होगी। पुराने वाले क्या डाटा और डिटेल्स मेरे पास हैं, आप कुछ मुझे जरूरी इन्फॉर्मेशन दे दें। पर मुझे तो कोई ऐसा मैसेज नहीं आया। हो सकता है सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से आपको टैक्स ना मिला हो। आपको अगर अकाउंट अपडेट करवाना है तो आप करवाएं, अदरवाइज मुझे और भी बहुत सी जगह पर जाना है और आपका अकाउंट सीज भी होने का खतरा है। नहीं, आप अंदर आए। मैम, पानी मिल जाता तो। जी, मैं लेके आती हूँ। मैम, आप डॉक्यूमेंट्स ले आए। आपने मुझे क्यों बांधा हुआ है? मुझे खोले, मुझे जाने। बेटा, गलत जगह पे फंस गया है तू। चार घरों से जो तो सामान चुरा के लेके आया है ना, अब तू तो यहाँ पे आकर फंस गया। शिकारी कुछ शिकार हो गया, मैं जानू, मैं जाने वो क्या कर रही है आप? मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे। जैसे गाड़ी का एक पुर्जा मार्केट में बिकता है ना, वैसे ही तेरे जिस्म का एक टुकड़ा मार्केट में बेचेंगे, समझा तू? आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? चुप कर, कॉल आ रही है मेरी। हाँ शेरू, एक ताजा ताजा मुर्गा आया है, बता फिर इसका क्या करना है? ड्रिंक करता है? बता, पीता है क्या? वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका तो लीवर भी फर्स्ट क्लास होगा, इसका तो दिल भी बड़े जोर से धड़क रहा है। एक इंसान 100 या 150 साल तो आराम से जी सकता है। ओके, डन करते हैं, बस रेट में कंजूसी ना करना। एक काम करो, दिल और आंखों के पैसे दे दो, किडनी मैं तुझे फ्री में दे दूंगी। रुक, ये कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। इतना क्यों चिल्ला रहा है? मैं मर जाऊँ। अब खुद की जान पे आई
तो तुम मरने पे आ गया। टेंशन ना ले, तुझे मरने नहीं दूंगी मैं, नहीं तेरी जान को कोई खतरा। उन लोगों का सोच, जिन लोगों को लूटा है तुमने, उनका क्या हाल हुआ होगा? मुझे माफ कर दे, मुझे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा, मुझे जाने दे। तू टेंशन ना ले, तुझे मैं मरने नहीं दूंगी, पर तू जेल जरूर जाएगा, एक पुलिस वाले की बेटी हूँ, इसे थोड़ी ना जाने दूंगी तुम्हें। शौक है तुझे चोरियां आ जा, तुझे मैं अपने जेल का मेहमान खाना दिखाता हूँ। चल